20 सामानों का औसत मूल्य 18 है, यदि प्रत्येक सामान के मूल्य में से 3 रुपए कम कर दिए जाएं तो सामान का नया औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, तो ये सवाल हमने सूत्र लिखा है यहाँ पे, औसत बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, है ना, औसत की जगह 18 आ गए, है ना, पहले सामान का मूल्य X1, दूसरे सामान का मूल्य X2, तीसरे सामान का मूल्य, ऐसे 20वें नंबर का जो सामान है उसकी कीमत X20 बटे में टोटल आंकड़े 20, तिरछा गुणा करा तो टोटल मूल्य कितना हुआ, 360 रुपए का बिल बना, है ना, है ना, तिरछा गुणा करा तो 20 सामान जब हमने खरीदे तो 360 रुपए का हमारा बिल बना। अब वो कह रहा है कि इन सब में से अगर हम मतलब 3-3 रुपए कम कर दें, जैसे पहले सामान की कीमत X1 है, अब हम X1 नहीं है इसमें से 3 रुपए कम कर दिए, दूसरे सामान की जो कीमत X2 है वो अब X2 नहीं रही, उसमें से भी 3 कम कर दिए, ऐसे 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 हमने 3-3 रुपए सब में से कम करें, है ना, ठीक है ना। अब बटे में कितना, इसका औसत निकालना, बटे में भी इसका भाग लगा दो, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, क्या हो जाएगा ये आपका X1 प्लस X2 प्लस डेडेडेस प्लस X20, है ना। और हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं भैया कि 3-3-3 कितनी बार है, 20 बार, 3-3-3-3-3 20 बार, तो 20 दिया 60, माइनस के 60 आ जाएंगे, है ना, ठीक है ना, ये प्लस और डेस डेड डेड डेस है ना, ये बीच में डेड डेस है ना, क्योंकि यहाँ पे डेस डेस डेस, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस डेड डेड डेस प्लस X20 का योग कितना आया, 360, तो ये तो हो गया 360, फिर कितना है, माइनस में 60 और बटे में कितना, 20, तो कितना हो गया भैया, ये आपका हो गया 300 बटे 20 कितना होता है ना, तो 20 से कट गया कितनी बार, 15 बार, तो औसत कितना आया, नया औसत कितना आ गया आपका, नया औसत हो गया आपका 15, नया औसत कितना आ गया आपका 15, ठीक है।